कैची काम नहीं कर रहा, जुबान चला लेती हूँ, जुबान भी तो कैची जैसे चलती है। अम्मा अम्मा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छोटू वाला पहले खोलते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, थ्री मोम हुक। ओके ओके, ये हुक हैं जो आप कभी वाइपर लगा देते हो या झाड़ू लगा लेते हो या कभी कुछ भी ना, तो आप उसको दरवाजे के पीछे, जैसे कभी वॉशरूम का दरवाजा हो या कुछ भी, आप उसको ना कहीं भी ऐसे पीछे स्टिक कर सकते हो और वहां पे ऐसे करके वो वाइपर लगा सकते हो या फिर झाड़ू लगा सकते हो या कोई पोछने वाला जो भी स्टिक होता है वो भी लगा सकते हो। तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है जो हर किसी के घर में आई थिंक होनी चाहिए। झाड़ू तो सबके घर में लगता है। नाइस, कितने पैक है, थ्री है। ओके, मुझे तीन पैक रिसीव हुए, थ्री सेट्स नहीं है। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है। ये देखो, यहाँ पे आप इसको ऐसे उखाड़ लोगे ना तो यहाँ पे ये स्टिक दिया हुआ है। आप ये स्टिक वाला दीवार में लगा सकते हो या फिर दरवाजे के पीछे लगा सकते हो या कहीं पे लगा सकते हो। और यहाँ पे ऐसे ये हुक टाइप का बना हुआ है, तो आप इसको इसमें से निकालोगे और ये पीछे इसका ये लॉक बना हुआ है, आप इसको ऐसे करके लॉक में लगा दोगे। ये ऐसे करके ये लॉक में लगा दोगे और ऐसे आप करके कितना भी ऐसे आप देखोगे प्रेस करके ना, ये ऐसे प्रेस हो रहा है काफ़ी, तो आप इसके पीछे मस्त लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो काफ़ी यूजफुल है। आपके घरों में कभी गेस्ट आ जाते तो झाड़ू वगैरह साइड में रखा होता तो काफ़ी अच्छा ही लगता। बाथरूम दरवाजे पीछे आप रख सकते हो या फिर किचन के दरवाजे पीछे रख सकते हो या किचन के पीछे या फ्रिज वगैरह के पीछे रख सकते हो ऐसे स्टैंड लगा के, और काफ़ी अच्छा भी रहेगा। घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए हमेशा। सो यस, अब हम नेक्स्ट खोलते हैं ये वाला पार्सल, एप वाइट पॉट। वाइट पॉट, मैंने व्हाइट पॉट एक और बनाया है। लेट्स ओपन इट गाइस। ओके ओके, ये छोटे छोटे मैंने चार सेट मंगाए हुए थे फेक प्लांट्स के, छोटे छोटे। जैसे आप देखोगे ना तो स्मार्ट बाजार में या बिग बाजार में ऐसे काफी मिल जाते हैं, 99 रुपीज के टू, 199 रुपीज में थ्री। काफी अच्छा है ये, लाइक फेक नहीं लग रहा है, काफी पैसे देख सकते हो। तो ग्रीनरी है तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। ये मुझे ऐसे ऐसे चार रिसीव हुए हैं और चारों के चारों अलग अलग स्टाइल के हैं। कुछ ये ऐसे स्टाइल का है तो ये ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल का है। ये फॉर्म बाहर आ रहा है, आप इस फॉर्म को ऐसे अंदर दबा सकते हो, नो इशू। थोड़े से ये ऐसे ग्रास टाइप के हैं, ये ऐसे ग्रास टाइप के, ये भी आप इसको ऐसे अंदर दबा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी, ये एकदम फिक्स है। चार के सेट है, आई थिंक 200 रुपीज में कुछ चार के सेट थे, तो बढ़िया है। ये वाला बॉक्स होती हूँ, इतने बड़े बड़े बॉक्स है, मुझे लग रहा है कि इसमें वो मैंने टू फ्लोर का शेल्फ मंगाया था, वो आई थिंक उसका स्टील का था, तो लेट्स ओपन इट, शायद वही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, मैंने सिक्स सेट का वो डब्बे मंगाए थे स्टोर करने के लिए कुछ चीजें। ओके, ये ऐसे रिसीव हुए हैं, छह के छह सेट ऐसे रिसीव हुए हैं। जैसे आप कुछ दाल रखना चाह रहे हो या ओट्स रखना चाह रहे हो, म्यूज़ली रखना चाह रहे हो, हार्ड क्वालिटी है गाइस, काफी अच्छा है। तो ये काफी अच्छा है, इसमें इन लोगों ने क्लेम किया था कि इस पे 1 kg समथिंग कुछ आ जाएगा, तो लेट्स सी कि इसमें 1 kg कुछ आता है नहीं आता। पर ये डब्बों में कुछ तो ऐसे लगा हुआ है, अब आई डोंट नो वो अंदर से कुछ लगा हुआ है कि आप जैसे पास से देखो, इस डब्बों में ऐसे साइड साइड से कुछ लगा हुआ है, आई डोंट नो क्या, देख रहे हो आप छोटा ऐसे स्टेन टाइप का, आई डोंट नो क्या है वो, मैं देखती हूँ अंदर से कुछ क्या ही है, निशान नहीं जाएंगे, मैं समझ गई। नेक्स्ट हमारे पास है ये, तो शायद ये वो है जो मैं इसके पहले आपसे बात कर रही थी। भी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको, नहीं क्लीन होते हैं और इसको देख रहे हो क्या मस्त चीज आई है, भाई को थैंक यू बोलो, थैंक यू, इतनी मस्त चीज मैं ढूंढ के लाई हूँ। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉल आने वाला है। वाओ, अच्छा है यार, काफी अच्छा है पैकेजिंग वगैरह,
पे कुछ भी ऐसे छह डब्बों के डब्बे रख सकते हो। थोड़ा सा पेंट में फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग इन द सेंस कि पेंट की फिनिशिंग में प्रॉब्लम है, और तो बाकी तो बढ़िया है, क्वालिटी एक नंबर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैंने दो पॉट मंगाए थे, गोल्डन कलर के होते हैं ये पॉट, होप सो ऐसे के ऐसे ही आए हों। और हाँ, ये पैर में चोट लग गई। छूटने वाला था कि मुझसे, और फिर मेरी गलती होती। वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे थोड़ा सा पेंट का प्रॉब्लम है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंट में इन्होंने गड़बड़ी कर दी है। शायद इसमें हर कहीं कहीं भी हर जगह पेंट का प्रॉब्लम है, भी आप देख सकते हो ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका पेंट का प्रॉब्लम है। इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट ठीक है। ये मुझे टू पेयर्स मिले थे, भी ओपन कर लेते हैं। शिट, अभी बिगड़ जाता। ओह नाइस, पर मुझे पहले ही थोड़ा सा वो दिख गया, ये थोड़ा सा गंदा है, इसको धोना पड़ेगा, पर ये वॉश करके काफी साफ हो जाएगा नो डाउट। थोड़ा सा डर्टी है, वो सेट्स हैं इसके, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। और क्वालिटी क्यूट। मैंने कुछ कर्टन्स ही मंगाए थे, बिकॉज मैंने ना थोड़े से ऊपर ऊपर लगा रखे हैं वो रॉड, और मुझे 7 फीट के से ऊपर जो 9 फीट वाले होते हैं मुझे वो कर्टन्स चाहिए थे, तो मैंने ये 9-9 फीट के कर्टन मंगाए हैं। आई थिंक एक ये 5 फीट का और एक 9 फीट का है, तो डोंट नो, लेट्स ओपन इट, फिर चेक करते हैं कैसे। लेट्स ओपन, अच्छे अच्छे चलाऊंगी, पता चला कहीं और कैसे लग गई। वाओ, तो प्रीटी 9 फीट का कर्टेन है, और डिजाइन काफी अच्छी लग रही है। ओ माय गॉड, लुक एट द थ्रेड वर्क, सो प्रीटी गाइस, सो प्रीटी। ये थ्रेड वर्क इतने सुंदर लग रहे हैं, लेंथ भी काफी अच्छी होगी। मैं खोल देती हूँ, ओह माय गॉड, काफी लंबा है, सो प्रीटी यार, आई कांट एक्सपेक्ट यार कि इतनी अच्छी चीजें आएंगी, सीरियसली। सो गाइस, ये कटिंग बहुत अच्छे हैं, गुड इन। मुझे बाद में ये कूड़ा भी समेटना पड़ेगा, उफ गॉड आई एम टायर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट भी कर्टन है, जो मैंने ग्रे कलर का कर्टन मंगाया था, बिकॉज मेरे इस रूम का थीम ब्लैक एंड ग्रे है, तो यस, अभी मैंने जो कर्टन लगाए हुए हैं वो थोड़े से छोटे हैं, यस, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि मुझे 9 फीट की ज़रूरत है और ये 7 फीट के पर्दे हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़े से लंबे पर्दे चाहिए थे, तो मैंने लंबे पर्दे लगाए। ओह वाओ, ये मैंने सिंपल मंगाए हुए हैं, ठीक है, सिंपल ग्रे कलर के चाहिए थे मुझे, तो ग्रे कलर के काफी अच्छे है, क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है, और अंदर से यू नो थोड़े से सिल्क का वो है, इट्स नाइस। मैं चाहूँ तो इसको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों यूज कर सकती हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। मैं इसको लगा के भी देखूंगी कि ये कैसे लग रहे हैं, तो इट्स गुड डील गाइस, काफी लंबे, ये भी 9 फीट के पड़ते हैं। दूसरा दिखा, इतना बड़ा पैकेट, यस, इसमें कोई टेडी बेयर नहीं है गाइस, इसमें 5 सेट मैंने पिलोज मंगाए हैं, यस, टू माय सोफा, हालांकि सोफा में ऑलरेडी कुशन्स हैं, बट मुझे ज्यादा कुशन अच्छे लगते हैं। लेट्स ओपन, पता नहीं क्यों मुझे अपने स्टूडियो में शूट करना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई नॉइस नहीं आती यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिजुका शिजुका, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इसको हम अपने तरीके से फाड़ते हैं। कुशन्स, इट्स अ गुड डील यार, ओपन कहां से होगा भाई ये, सुना रही
पेन किधर से होगी? इधर से काट लेते हैं। मेरी कैची नहीं चल रही आई थिंक, काट काट के कैची नहीं है ना, ये बाजा बज गया जैसा लग रहा है, कैची काम नहीं कर रहा। जुबान चला लेती हूँ, जुबान भी तो कैची जैसे चलती है। वाओ 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 वाओ, नाइस कुशन गाइस। अब इसके लिए कवर भी चाहिए होंगे, मैंने कवर तो मंगवाई नहीं। चलो ये ऐसे देख लो, और इसको मैं यहाँ लगा के भी दिखा लेती हूँ। ये देखो अच्छे लग रहे हैं, नाइस। पीछे 1 2 3 4 नीचे 5। इसमें आप किसी को भर के भी पार्सल कर सकते हो। नहीं ऐसा मत करना वरना आप जेल में हवा खाओगे, और मुझे बिल्कुल मत कहना कि मैंने ऐसा कहा था। खोलते हैं ये कारपेट। आपने देखा होगा कि सारे के सारे इन्फ्लुएंसर जूट कारपेट यूज करते हैं ऐसे कभी फोटो खींचने के लिए या कुछ भी ऐसे एस्थेटिक टाइप। तो मैंने भी ये जूट कारपेट मंगाया है। मैंने आई थिंक 5x7 था, नहीं या 4.5 था, 4x5 था, 4.5 फीट का मंगाया या 3x5 का, मतलब 5 तो कन्फर्म है, अब 3x5 है या 4x5 है ये वो मुझे कन्फर्म नहीं है। अब इसको ओपन करते हैं तो पता चल जाएगा, पता क्या ही चलेगा गाइस। मुझे तो पता भी नहीं चलता कितना फिट है, क्या फिट है, क्या बस मुझे पता है तुम फिट हो या नहीं फिट। क्वालिटी इज टॉप नॉच गाइस। ये आई थिंक 5x4 है, काफी बड़ा है, काफी 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 बड़ा है और काफी अच्छा है। मैं इसको अभी आपको फर्श पे बिछा कर दिखाती हूँ, तो ये काफी 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 बड़ा है और काफी सुंदर है। साइड से ओपन करूंगी, कहाँ से करूँ? ओके यहाँ से थोड़ा सा ओपन है तो यही से खोलते हैं। फेक वाले हैं क्या शायद? ये गंदे नहीं होंगे, खामा खा डर रही थी। मुझे ना वो ब्राउन वाले चाहिए, वो काफी अच्छे होते हैं। वो पहले वो थोड़ा सा आई थिंक आउट ऑफ था। वाओ सो प्रीटी गाइस, सो प्रीटी। वो कह रही थी कि मैं इसमें इसको ऐसे लगा सकती हूँ। यस सो प्रीटी एंड ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें से कुछ झड़बड़ नहीं रहा है, तो आप इसको रख सकते हो कहीं भी। सो या गाइस सॉरी, मैं आपको ये कर्टन के बारे में बताना भूल गई थी। तो ये कर्टन भी मैंने मीशो से मंगाया था, 5 फीट का ये कर्टन है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मंदिर भी मीशो से ही खरीदा है, ये पूरे लकड़ी अलग अलग आई थी और मैंने इसको अच्छे से असेंबल किया हुआ है सारे के सारे, तो ये काफ़ी 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 अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी डिज़ाइन दे रखी है, काफी अच्छी डिजाइन दे रखी है। इसके नीचे आप पोर्शन भी आप कुछ भी रख सकते हो। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और मीशो हॉल तो सबको ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी चीजें निकालता है, काफी ज्यादा अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात है कि इतने सस्ते सिर्फ और सिर्फ मीशो दे सकता है। यस मैंने अभी और भी बहुत सारी चीजें मंगाई हुई है, तो होप सो वो बेटर आए क्योंकि मीशो फ्रॉड भी कर देता है कभी कभी। आई एम सो 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 लकी कि मेरे साथ अभी तक तो कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, मतलब सीरियसली। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है और वो है मीशो सारी हॉल। होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें से कुछ भी आपके काम की चीजें हो जो आप अपने लिए मंगा सकते हो, तो मुझे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।